मुकाबला शुरू किया जाए। ये हम क्या देख रहे हैं? इस कोमल बालक का उन 10 योद्धाओं से मुकाबला उचित नहीं। यदि दर्शकों में से कोई अखाड़े में उतरकर इस गुलाम की ओर से उन योद्धाओं को पराजित कर पाए, तब भी इस गुलाम को मुक्त किया जा सकता है। इस गुलाम के हेतु हम दोनों आपके 10 परम योद्धाओं से मुकाबला करने की अनुमति चाहते हैं। यही तो मैं भी चाहता हूँ कृष्ण और बलराम। आखिर तुम मेरे बिछाए जाल में चले ही आए। हमारी अनुमति है, मुकाबला शुरू किया जाए। कोई योद्धा बाकी है? सैनिकों, पकड़ लो इन दोनों को और इनके साथियों को भी। अरे, ये क्या? अब क्या होगा? हमारे राज्य और राजमहल में बिना इजाजत घुसाने के लिए हमारे सैनिकों और सेनापति पर आक्रमण करने के लिए तुम्हें दंड दिया जाएगा। हम भी तो यहाँ तुझसे युद्ध करने और तेरा अहंकार नष्ट करने के कब से प्रतीक्षा कर रहे थे। नष्ट तो तुम दोनों होगे।
मौका अच्छा है, चल उठा ले। यहाँ तो कोई नहीं है। मनुष्यों से हार कर तुमने अपनी नाक तो कटवाई ही, साथ ही साथ हमारे भी मुंह पर कालिक पोत दी। मूर्खों, वो कहावत थी, पर यदि तुम अभी इसी वक्त वापस वृंदावन नहीं गए और भोजन के लिए गाय बैल उठाकर नहीं लाए तो मैं स्वयं ही तुम दोनों की नाक काट दूंगा। परंतु पिताजी, यदि हम वापस वहाँ गए और उन दो खतरनाक ग्वालों ने हमें फिर वहाँ देख लिया तो नहीं देख पाएंगे। अब जाओ और भोजन का प्रबंध करो। राधे, मैं तो यही हूँ। ये असुर ऐसे नहीं मानेंगे।